जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहां बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके, गोरखपुर से, और सॉरी उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है, रेलवे से भी ज्यादा जमीन इनके पास है। और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई है, हजारों हेक्टेयर, एक रुपए का लीज, दो रुपए का लीज, माने साल में वो एक ही रुपया देते हैं, हजारों एकड़ जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिल्कियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये जमीन देना शुरू किया, 2006 तक ये अबाध गति से चालू है। हमारी ही जमीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसाधन है। पहले मैं क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार, लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10% ही है, बाकी समाज का डोनेशन। अकेले मैं मुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, मुंबई का, मुंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 92%, 2.5% क्रिश्चियन समाज के हैं और बकाया में मुसलमान है। ये है स्थिति। तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के मां बाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? पंजाब राजस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई, सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट, फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सबको मैंने जोड़ना शुरू किया, फिर बी क्लास सिटीज के कॉन्वेंट जैसे अजमेर है, जयपुर है, ऐसे शहर, फिर सी क्लास, कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतीय समाज के द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है, हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना, तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता है देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो, तो बच्चे का नाम लेते हैं हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता है देखो तुम्हारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पप्पा को बोलते हैं अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई, मैंने कहा ये हो क्या रहा। आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था, तो वहां पर राम सनेही संप्रदाय के एक बड़े संत हैं, उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिनके मन भोले भाले हैं, उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और कृष्ण है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मेटल्स की और बच्चों को दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैराओ, तो बच्चे उनको डाल देते हैं, वो सब डूब जाती हैं क्योंकि मेटल्स की, तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान डूब गए। फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काष्ठ की मूर्तियां दी जाती है लकड़ी की, ईसा मसीह की, कहते हैं तैराओ, तो वो तैरने लगती है, तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसीह इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं, राम कृष्ण तो डूब गए तो तुमको भी डूब। तो लोकमान्य तिलक की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिष्कार करो और असहयोग करो। बाद में गांधी जी ने उसको और तेज से कहा। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे।